Hello students, we have studied in lecture 4 about the vitamins, what are the uses of vitamins and the disease caused by the deficiency of vitamins. उससे पहले वाले lectures में हमने क्या पढ़ाया कि different minerals हैं, उन minerals की deficiency से हमारे body के अंदर कौन कौन सी disease हो सकती हैं और हमें इन minerals की requirement क्यों होती है. Next है हमारे पास lecture 4. First of all, we study about the balanced diet. Balanced diet क्या होती है? Balanced diet means संतुलित आहार. ये balanced diet वो diet होती है जिसके अंदर सारे पोषक तत्व, जैसे पोषक तत्व या nutrients जिसको हम नाम देते हैं, सारे nutrients proper amount में होते हैं. जैसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की जैसे हम बात करें, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, रफेज है, जो भी मैंने न्यूट्रिएंट्स आपको बताए हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट. इट शुड बी नोटेड दैट कि ये बैलेंस डाइट जो है वो एज के साथ, हेल्थ के साथ और ऑक्यूपेशन के साथ वेरी करती है. अब जैसे हम बात करें कि सबसे पहले एज की बात करें, जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए हमें ज्यादा कैल्शियम की, ज्यादा विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी डाइट के लिए बैलेंस डाइट को डेफिनेशन में क्या होगा, विटामिन कैल्शियम या मिनरल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है. इसी तरह ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर लेवर, लेवर लेबर के लिए, लेबर मतलब जो काम लेबर का काम करते हैं, लेबर के लिए, मजदूर के लिए, हमें पता है कि उसको ज्यादा एनर्जी की डाइट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है. तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट में क्या आ जाएगा कि ज्यादा एनर्जी वाले फूड उसको यूज करने होंगे. इसी तरह से जो हमारे पास बैलेंस डाइट है जनरली एज, हेल्थ और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है. उसके बाद हमने बेसिक फूड ग्रुप्स को स्टडी करना है. फूड के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे पहला है मिल्क ग्रुप. मिल्क ग्रुप के अंदर क्या है, मिल्क और उससे जो भी हमें पोषक तत्व, उससे जो भी पोषक तत्व मिलते हैं उसके ग्रुप में मिल्क जो कि हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स एंड वाटर, फर्स्ट ग्रुप है. सेकेंड ग्रुप है पल्सेज एंड मीट ग्रुप. दूसरा है दालों का और मीट ग्रुप, उससे हमें जनरली प्रोटीन, फैट्स, सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये ऑब्जेक्ट्स हमें, ये मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स हमें ऑब्टेन होते हैं पल्सेस और मीट ग्रुप से. नेक्स्ट है ब्रेड एंड कर्ब ग्रुप. ब्रेड एंड कर्ब ग्रुप मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट और कुछ थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स भी प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट है हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रुप. फ्रूट ग्रुप क्या होता है, फ्रूट में जनरली फ्रूट का हम यूज किस लिए करते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज के लिए. कुछ मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स भी अवेलेबल होते हैं फ्रूट से. तो अब उसके बाद जैसे हम बात करें नेक्स्ट, हम कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट में भी बताए हैं, आज भी मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि नेम द मेजर ग्रुप्स जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने नोट करना है, और नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द विटामिन्स, आयरन की डेफिशिएंसी से और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एक टेबल बनवाई है आपको कि किस किस विटामिन के कारण, किस किस जैसे मिनरल के कारण कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, कहाँ वो इफेक्ट होता है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया है, तो वहां से उसको नोट कर सकते हैं. तो टुडे वी हैव स्टडी बैलेंस डाइट, फूड, बेसिक फूड गुड एंड ये टू क्वेश्चंस हैं. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कि कुकिंग के ऊपर, कुकिंग के कारण फूड की न्यूट्रिएंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और एक मिड डे मील प्रोग्राम जो चलता है स्कूल्स के अंदर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में स्टडी करना है. उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा.